विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने गूगल और फेसबुक पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। हाल ही के दिनों में अमेरिका के प्रसिद्ध अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपा है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन के 14 बड़े बड़े नेताओं ने गूगल और फेसबुक के सीईओ को पत्र लिखा है। तो क्या है घटनाक्रम, उस अखबार में क्या छपा था, चलिए इन बातों को जानते हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया को पक्षपात नहीं करने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन में शामिल 28 राजनीतिक दलों ने फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विपक्षी दलों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें भारत में आपसी नफरत बढ़ाने और सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार ठहराया है। इस पत्र को विपक्षी दल गठबंधन इंडिया में शामिल 14 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने लिखा है, जिनमें शामिल है कांग्रेस से 2 नेता शामिल है, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दूसरा राहुल गांधी जो कांग्रेस का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, एनसीपी के नेता शरद पवार शामिल है, शिवसेना दल के नेता उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हेमंत सोरेन, डीएमके के नेता टीआर बालू, जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी से ललन सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के नेता तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के नेता ब्रेक ओब्रॉयन, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी से सीताराम येचुरी, कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी जम्मू कश्मीर के नेता उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी की नेता है। इन सभी 14 नेताओं ने मिलकर गूगल और फेसबुक को पत्र लिखा, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाजपा और उसके सहयोगी दल के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन ने पत्र में फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सत्ताधारी भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि इस दबाव में ये प्लेटफॉर्म भगवा दल के सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ाने के अभियान में सहयोगी बने हुए हैं और विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाते हैं। विपक्षी नेता ने इसके लिए अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार के सत्ताधारी भाजपा के सांप्रदायिक नफरत फैलाने के अभियान में फेसबुक और व्हाट्सएप की भूमिका को लेकर किए गए खुलासे को आप जानते ही होंगे। अखबार ने विस्तार से बताया है कि किस तरह भाजपा सदस्य और उनके समर्थक व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करके घृणित विभाजन करने वाली सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला प्रचार कर रहे हैं। पत्र में विपक्षी गठबंधन ने वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है, जिसमें फेसबुक और गूगल द्वारा सरकार के समर्थन में पक्षपात करने के सबूत दिए गए हैं। विपक्षी गठबंधन ने जुकरबर्ग को चेतावनी देते हुए लिखा, वाशिंगटन पोस्ट की इस विस्तृत जांचों से यह पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने और सामाजिक दुश्मनी भड़काने का दोषी है। इसके अलावा हमारे पास मौजूद डेटा यह भी दिखा रहा है, मेटा के प्लेटफॉर्म पर सत्ताधारी दल के कंटेंट को विशेष रूप से तवज्जो दी जाती है, जबकि विपक्षी नेताओं के कंटेंट को एल्गोरिदम मॉडरेशन यानी हेट स्पीच जैसे प्रावधानों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र लिखे है उसको एक्स पर शेयर किए है, जिसे ट्विटर के नाम से पहले जानते थे। इस पत्र में कहा गया है कि विदेशी कंपनियों का ऐसा पक्षपातपूर्ण कामकाज साफ तौर पर भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने जैसा काम है। विपक्षी गठबंधन ने गूगल सीईओ को लिखा पत्र में यूट्यूब पर भी ऐसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि हाल ही में अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारत को भड़काने के लिए हिंदू राष्ट्रवादियों के विशेष डिजिटल अभियान की पड़ताल नाम की एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें भाजपा की सफलता के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का हाथ होने का लेखा जोखा दिया गया था। साथ ही अखबार ने 8 अक्टूबर को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें भारत के लोकतंत्र को खतरे में डालना तकनीकी और नफरत जैसे जहरीली मिश्रण हैंडिंग से पेश किया गया था। इसमें अमेरिका स्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाए गए थे। आपको बताते चले कि वर्तमान समय में भारत के सभी राज्यों में से भारतीय जनता पार्टी के कुल 15 राज्यों में सरकार है, बहुमत के साथ 6 राज्यों में तथा गठबंधन के साथ 9 राज्यों में सरकार है। इसी साल भारतीय जनता पार्टी के हाथ से कर्नाटक निकल गया, जबकि पिछले साल दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीता है, इससे अब कांग्रेस 7 राज्यों के विधानसभाओं में सत्ता में है। इनमें से 4 हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, जहां कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में है। वहीं 3 अन्य राज्य बिहार, झारखंड और तमिलनाडु, जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। विपक्षी दल वर्तमान समय भारत के सभी राज्यों में से 14 राज्यों में सरकार में है। इसमें इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दल अन्य राज्यों में सरकार में है।
भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होता है। जम्मू और कश्मीर की अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती रही और वर्तमान समय में यह पद खाली है। अब जानते हैं किस पार्टी ने विज्ञापन यानी प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया है। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने विज्ञापन पर कुल 5749 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरटीआई में बताया गया कांग्रेस ने अपने 10 साल के कार्यक्रम में कुल विज्ञापन पर 3582 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन मोदी सरकार ने मात्र 7 सालों में यह रिकॉर्ड तोड़ देती है। इसी वजह से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश के पूरे राज्यों में सरकार में है, क्योंकि विज्ञापन पर बहुत अधिक पैसा खर्च करती है और उसका प्रचार बहुत होता है, लेकिन विपक्षी दल विज्ञापन पर कम पैसा खर्च करती है और इसी वजह से लगता है कि विपक्षी दल का देश में बहुत कम राज्यों में सरकार है। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को कोई पत्र नहीं लिखा है। अब देखना यह है कि विपक्षी दलों के 14 नेताओं द्वारा लिखे गए पत्र पर गूगल और फेसबुक जैसे बड़े कंपनियां क्या एक्शन लेती है। विपक्षी दलों के पत्र पर फेसबुक और गूगल जैसे कंपनियों का क्या जवाब रहता है, और जवाब आने तक आप इसकी प्रतीक्षा करें। तब तक इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।